तो कैसा हो गया भाई एक्सीडेंट होकर आगे का पूरा भाई चक्का का जो रिम सब होता है सब भाई टूट टूट गया आगे का। देखिए सस्पेंशन सब टूट गया है भाई, गजब हो गया यार भाई। यहाँ पे नियाज भैया भाई स्टंट करने जा रहे हैं, गाड़ी पे खड़ा होंगे। चलिए इनका थोड़ा सा स्टंट आप सभी को दिखाते हैं भाई। ओ तेरी, ये देखो भाई क्या तगड़ा सीन है। ओ मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक न्यू फ्रेश कमाल के वीडियो में। सो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं हूं अभी भाई जूडियो के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हो जूडियो और सारे फ्रेंड लोग यहां पे रहे। नियाज भी अपना ब्लॉग बनाते हुए यहां पे, अंकित वहां पे, रिशु, तनिष अपना बाइक नहीं निकाला V3। अभी यहां से फ्रेंड्स हम लोग निकल रहे सीधे मरीन ड्राइव। चलिए फ्रेंड्स यहां से चलते हैं सीधे मरीन ड्राइव और मिलते हैं वहां पे। वहां पे आ रहा है भाई आदित्य ब्लॉग, जिसका 1 लाख सब्सक्राइबर है, जिसका माई फर्स्ट ब्लॉग वीडियो वायरल हुआ था। चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं। फिलहाल भाई मरीन ड्राइव आ चुके हैं और सारे फ्रेंड लोग भी भाई आ चुके हैं। और आज का इस ग्रुप में बाइक देखिए, एक है यामा MT15, दूसरा है पल्सर RS 200 जो कि भाई को लेकर अभी जा रहे हैं यहाँ पे, और एक है यहाँ पे अपाची RR 310, दूसरा है R15 Version 1, पीछे है भाई Version 4। बाकी फ्रेंड लोग यहाँ पे ये रहे, फोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से फोटो शूट वगैरह करवाएंगे और फिर निकलेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, फाइनली आदित्य हमारे साथ आ चुका है। और मरीन ड्राइव पे कितना दिन बाद आ रहे हो आदित्य? जब आपका बर्थडे हुआ था। अच्छा, इस साइड हमने तो उधर आते थे, वहाँ से आराम से चल जाते थे। पटना मतलब ये बहुत दिन से आते जाते हैं। काफी दिन बाद आया भाई आदित्य मरीन ड्राइव पे। वीडियो डालो चैनल पे, थोड़ा सा मेन सबसे बड़ा बात है कि एग्जाम था ना, तो कुछ डाल रहे थे। अब जो 20 मतलब 6 दिन है ना, मतलब एग्जाम यहाँ आया हुआ पटना का। अच्छा वाला कंटेंट बनाया। अरे ये वही लड़का है क्या हमारा वीडियो बना के स्टेशन से ट्रेन से यहाँ से घूमता था? ना ना, उसका आदित्य का माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल हुआ था, पहला वीडियो चैनल खोला था। एक और लड़का पता है बेगूसराय का, जैसे किसका पहला वीडियो ही वायरल हो गया था, माय फर्स्ट ब्लॉग था। तब से ट्रेन आ गया तो पूरा माय फर्स्ट ब्लॉग सब डालने लगा। ट्रेन भी समझिए तो इसी से स्टार्ट हुआ, और भी लड़का लोग वही था। तो पहला वीडियो वायरल हुआ था माय फर्स्ट ब्लॉग का। तो फ्रेंड्स चलिए फिलहाल अभी वीडियो शूट करते हैं, निकलते हैं। चलिए अभी स्टंट मारिए, अभी मस्त स्टंट मार रहे थे नियाज भैया, गाड़ी है इस पे खड़ा हो गया। चलिए रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे नियाज भैया भाई स्टंट करने जा रहे हैं, गाड़ी पे खड़ा होंगे। चलिए इनका थोड़ा सा स्टंट आप सभी को दिखाते हैं भाई। फिलहाल मैं अंकित के साथ MT पे बैठ जाता हूँ और वहाँ से वो कर कर आएंगे, तो अभी जा रहे हैं और आगे से रिकॉर्ड करेंगे। मैं हेलमेट इसलिए पहन लिया हूँ क्योंकि वो कैमरा है जिनको हम सब फुटेज में रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो गए हैं आगे, आगे से आके उनका बनाते हैं। भाई नियाज भी है यहाँ पे, देखिए स्टंट करने वाले हैं, गाड़ी पे चढ़ के पीछे हैं अभी। ओ तेरी, ये देखो भाई क्या तगड़ा सीन है। ओ भाई किया, ओ बैठ जाइए आराम से। सारे बाइकों को भाई हमने लाइनअप में लगा दिया है, R15 V4, MT15, R15 Version 1, रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है भाई। अभी हम लोग भाई बनाने वाले हैं यहाँ पे रील्स इंस्टाग्राम के लिए, बाइक को भाई लाइनअप में लगा दिए हैं एक नंबर। रील्स और वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना Raj_Roshan_01। तो भाई इंस्टाग्राम ID है, इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई बाइक वाले कंटेंट पे हमारा। फिलहाल भाई अभी निकल रहे हैं यहाँ से भाई, अब जा रहे हैं घर। तो आदित्य यहाँ पे ये रहा, चलो भाई भाई से मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिले। मरीन ड्राइव आराम जाइए, घूमो फिरो, ऐसे करो पटना में तो आएंगे फिर आएंगे। चलो ठीक है बाय। फिलहाल भाई हम अपने गाड़ी में जो स्टिकरिंग जो रिमूव किए थे, तो यहाँ पे ये इसका जो लस्सा रहता है वो इसमें बैठ गया था, जो छूटा नहीं था। हम गर्म पानी से उस दिन ट्राई किए थे छुड़ाने का, छूटा भी था लेकिन उतना कुछ अच्छा से नहीं छूटा था भाई। तो अभी पेट्रोल फिलहाल इस बोतल में मैं ले लिया हूँ, थोड़ा सा अपने पापा वाला बाइक से पेट्रोल निकाल कर, और क्योंकि इस बाइक से तो भाई पेट्रोल निकलता नहीं है, तो पेट्रोल से ही भाई इसको साफ कर रहा है। देखिए यहाँ पे कितना आसानी से साफ हो जा रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन पे नहीं है और ये वाला पोर्शन में देखिए ये लस्सा लिखा हुआ है H, देखिएगा ये कितना आसानी से देखिए छूट जा रहा है, बस हल्का सा टच करने पे भाई। थोड़ा दूर ले जाओ फ्रेंड्स, काफी आसानी से ये वाला जो पार्ट को है भाई मैंने जो है रिमूव कर दे रहा हूँ मैं।
क्या बढ़िया तरीके से देखिए, यहाँ पे पूरा जो लस्सा था सब हट गया है भाई। आगे तो नहीं था कल? नहीं नहीं था। थोड़ा सा मेहनत लग रहा है लेकिन ठीक हो जाएगा भाई। ये जो लस्सा रह गया था यामाहा का, ये लोगो था, इसको तो रिमूव करना ही है। तो दूर से दिखा दो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे भैया, कितना स्ट्रगल करके मिटा रहा है उसको, देख सकते हैं मिटाने में लगा हुआ है। हालत खराब हो गया, हालत खराब हो गया है ऐसा वो बोल रहा है। लाल भाई अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से श्री सायमा अपना बाइक का, भाई बाइक में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बनवाने के लिए, और भाई बाइक का जो मोबिल है उसको भी चेंज करवाना है। तो मोबिल चेंज करवाएंगे और भी कुछ कुछ काम है, ट्रैक्शन कंट्रोल एबीएस का लाइट भाई ऑन हो चुका है, तो ये सब करवाते हैं और चलते हैं भाई। तो अभी भाई यहाँ पे रास्ते में ही है, यहाँ से जा रहे हैं, चलो अंदर से चलो। सो फ्रेंड्स फाइनली भाई पहुँच चुके हैं श्री सायमा और चलते हैं भाई इसके अंदर। ये हम लोग आ गए श्री साई यामा, अंदर चलते हैं सर्विसिंग करवाते हैं भाई। तो चलो भाई आ चुके हैं फाइनली। ये गाड़ी का हाल देखो भाई, बेहाल हो रखा है, एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे लगाओ ना यहाँ पे साइड में। फिलहाल अभी अपना बाइक लेकर गए हैं भाई टेस्ट ड्राइव के लिए, और वो चेक करने गए कि क्या बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम था मैंने उनको बता दिया है, देखते हैं क्या आकर बताते हैं भाई, फिर अपना बाइक बनता है कि नहीं। दोस्तों ये बाइक आप लोग भाई हाल देख सकते हो कैसा हो गया भाई, एक्सीडेंट होकर आगे का पूरा भाई चक्का का जो रिम सब होता है सब भाई टूट टूट गया है। आगे का देखिए सस्पेंशन सब टूट गया है भाई, गजब हो गया है यार बाइक का हाल एक्सीडेंट होने के वजह से। गाड़ी भाई दे दिए हैं सर्विसिंग में और यहाँ से भाई अभी जा रहे हैं घर, क्योंकि भाई 6 बजे अभी 3 बज रहा है, 6 बजे बुलाया है तो लेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल भाई चलते हैं घर पे, फिर आकर बाइक ले जाएंगे जब रेडी हो जाएगा। फिलहाल भाई अभी सुबह के 9:13 हो रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हो। फिलहाल भाई व्लॉग को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और आज है भाई 28 मार्च। और फ्रेंड्स फिलहाल मैं अभी सुबह सुबह मस्त फ्रेश व्रेश होकर आराम से रेडी सेडी हो चुका हूँ, क्योंकि भाई आज का जो दिन है ना, आज से लगभग पिछले साल आज के ही दिन मेरे दादी का जो डेथ हुआ था, तो आज के ही दिन भाई पूरे 1 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स फिलहाल अभी पूजा करना है, नीचे जाना है, तो भाई अभी नीचे जाएंगे पूजा करेंगे। अभी पापा गए हैं कुछ सामान वामान लेकर आएंगे पूजा का, तो भाई तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह करेंगे और फिर भाई निकलेंगे घर से। तो फ्रेंड्स आज का प्लान कुछ है नहीं, बट आज के दिन भाई दादी नहीं रही, पिछले साल ऐसा हुआ था और हम भाई दादी के ब्लॉग में लेने वाले थे पिछला साल होली के बाद, होली हो चुका था, होली सेलिब्रेट कर लिए थे। दादी मेरा लास्ट ब्लॉग देखी थी, मैं फर्स्ट और लास्ट ब्लॉग दादी को दिखाया था अपना, होली जो हम लोग पिछला साल का जो होली हम लोग जो सेलिब्रेट किए थे ना, तो वही मस्त हम लोग मटका वटका फोड़े थे। तो फ्रेंड्स वो वाला होली वाला वीडियो मैंने दादी देखी थी, तो फ्रेंड्स मैं सोचा था कि दादी को चलो अपने व्लॉग में मैं लूँगा, बट फ्रेंड्स सोच रहा था कि लेंगे सैटरडे को, सोचे थे कि लेंगे सैटरडे को, नहीं ले पाए। फिर सोचे चलो संडे को लेंगे व्लॉग में, क्योंकि भाई डेली व्लॉगिंग थोड़ा बहुत कर ही रहा था मैं। फिर संडे को सोचे थे कि संडे को चलो दादी को व्लॉग में लेंगे, बट फ्रेंड्स आपको पता है संडे के दिन भाई काम ही इतना हो जाता है कि संडे को मैं व्लॉग ही नहीं बनाया। फिर सोचे छोड़ो हटाओ मंडे को, पक्का मंडे को एकदम लेना ही है। तो फ्रेंड्स मंडे को ही फिर मेरी दादी नहीं रही, आज के ही दिन था 28 तारीख। इस हर साल तो भाई डे आगे बढ़ जाता, तो आज तो इस साल तो खैर ट्यूजडे हो गया, पिछला साल भाई मंडे था आज के दिन। तो फ्रेंड्स फिर दादी को भाई व्लॉग में लिए ही नहीं, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नीचे और करते हैं पूजा और फिर करते हैं आगे का व्लॉग को कंटिन्यू। फिलहाल हूँ भाई मैं अभी छत पे और यहाँ पे यहाँ का व्यू चेकआउट कर सकते हो, धूप क्या तगड़ा किया हुआ है सुबह सुबह। अभी भाई 9:15 हो रहे हैं और ऊपर का व्यू देख सकते हो भाई, मस्त धूपा किया हुआ है। यहाँ पे अभी तैयारी चल रहा है, यहाँ पे फोटो लगा दिए, दादाजी ये रहे हमारे और दादी जी ये, और यहाँ पे माला वगैरह है और यहाँ पे प्रसाद वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी फ्रेंड्स थोड़ी देर में भाई पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। दादा के लम्बा कर बस ज्यादा लम्बा ना हम दादा को लड़के भी खुलवाने से दोनों में से कह
हाँ सर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग अपने शेरू को भी नहवा कर और मस्त टीका कर दिए हैं। ये देखिए शेरू, आज शेरू बोम्बू क्या हुआ शेरू शेरू। ये देखिए आज के इस व्लॉग में हुआ क्या कि मैं गया था अपना बाइक में जो मेरा प्रॉब्लम था उसको मैं सॉल्व करने सर्विस सेंटर। लेकिन फ्रेंड्स मैं जब सर्विस सेंटर गया तो वहां पे उन्होंने बोला, जब मैं अपना बाइक को 3 बजे दिया उन्होंने बोला कि 6 बजे आपको आपका बाइक मिल जाएगा। फिर भाई मैं 5 बजे गया वहां पे, मैं सोचा चलो 1 घंटा रुक कर अपना आके सामने से मैं देख लूंगा कि मेरा बाइक कैसे बन रहा है कैसे नहीं, क्या क्या वो लोग चेंजेस कर रहे हैं, पैसा लिया है तो क्या सही चीज लगा रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं सोचा चला जाता हूँ। भाई 1 घंटा वेट किया फिर वो लोग बोलते हैं अचानक से कि आपका बाइक नहीं आज हो पाएगा, आपका बाइक आपको कल मिलेगा। हम बोले कि हमको आज ही काम है, हमको आज जाना है तो कल मैं लेकर क्या करूंगा। आपको अगर आज नहीं देना था तो आप आज ही बता देते, जब आप मेरा बाइक ले रहे थे उसी टाइम आप बता देते कि हाँ भाई आपको आज बाइक नहीं मिलेगा आपको कल मिलेगा, तो मैं आपको बाइक आज मैं हैंड ओवर करता ही नहीं, मैं अपना कल ही कर लेता। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ सीन था भाई, बाइक हमको मतलब वो लोग बोले कि कल ले लीजिएगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर उनको बोला कि छोड़ दीजिए मेरा बाइक आप हमको दे दीजिए, अब मैं कल सुबह आ जाऊंगा, आप सुबह में सर्विसिंग कर दीजिएगा। तो उन्होंने भी बोला कि चलिए ठीक है आप सुबह आ जाइएगा, सुबह आपका जो भी बाइक में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। फ्रेंड्स फिलहाल मैं घर पे आ चुका था अपने बाइक को मतलब कि लेकर, और फिलहाल भाई जो भी उस बाइक में प्रॉब्लम है अभी वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है वो लोग लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करके फिर वो लोग चेक करेंगे कि बाइक में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ सीन है, फिलहाल ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स आपको दिखाऊंगा कि बाइक का सर्विसिंग हमारा किस तरह से होता है किस तरह से नहीं होता है। और फ्रेंड्स आज हमारे दादी का भाई आज मतलब आज ही के दिन दादी का देहांत हुआ था, तो आज पूरे 1 साल दादी का कंप्लीट हो गए। 28 मार्च 2022 में हुआ था, आज 2023 है, पिछला साल मंडे था, इस साल भाई ट्यूसडे हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ सीन है, चलिए फिलहाल पूजा वूजा कर लिए जैसा कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया। फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।